थलाइवी की तारीफ ना करने पर फिल्म इंडस्ट्री पर भड़क गई हैं कंगना रनौत, पोस्ट शेयर कर लगाई लता। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हाल ही में फिल्म थलाइवी में नजर आई थी। इस फिल्म में उन्होंने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता का किरदार निभाया था। ये फिल्म पहले 23 अप्रैल को थिएटर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण फिल्म की रिलीज टल गई और अब इसे 10 सितंबर को रिलीज किया गया। थिएटर के साथ साथ OTT पर भी प्रसारित हो रही अपनी फिल्म को लेकर कंगना ने सबका धन्यवाद जताया। साथ ही बॉलीवुड में उनकी फिल्म को लेकर कोई रिएक्शन ना देने पर लतार भी लगाई। सबसे पहले कंगना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, बहुत कम ही फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें इतना प्यार और सम्मान मिलता है। थलाइवी एक ऐसी ही फिल्म है। मुझे खुशी है कि इस फिल्म के जरिए लोग थलाइवी जयललिता को और ज्यादा जान पा रहे हैं। मैं अपनी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने फिल्म जगत को इतनी शानदार फिल्म दी। आपको बता दें ये फिल्म थिएटर में तो रिलीज हो चुकी है, साथ ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इसे रिलीज कर दिया गया। ऐसे में लोग इस फिल्म को देख रहे हैं। हालांकि कंगना को इस बात की नाराजगी है कि बॉलीवुड के लोगों ने उन्हें सपोर्ट नहीं दिखाया और फिल्म की तारीफ नहीं की। कंगना जो अक्सर बॉलीवुड पर सवाल उठाती हैं और इसे बॉलीवुड माफिया कहती हैं, इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, साथ ही मैं बॉलीवुड माफिया का इंतजार कर रही हूँ जो हमारे राजनीतिक विचारों को अलग रखे, जैसे कि मैं किसी काम की तारीफ करने से पीछे नहीं हटती हूँ, वैसे ही वो भी मानवीय एहसासों से ऊपर उठे और एक हार कला को जीतने दें। कंगना रनौत इससे पहले भी कई बार फिल्मी इंडस्ट्री पे बॉलीवुड माफिया का इल्जाम लगाती रही हैं, बॉलीवुड के एक ग्रुप पर पक्षपात करने का आरोप लगाती रही हैं। ऐसे में कंगना रनौत अब बॉलीवुड से ये उम्मीद रखती हैं कि वो उनकी फिल्म और उनकी तारीफ करें। थलाइवी सिनेमा घरों में 10 सितंबर को रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छे नहीं रहे। आमतौर पर बॉलीवुड फिल्म एक महीने बाद OTT प्लेटफॉर्म पर आती है, मगर थलाइवी 15 दिनों के बाद ही नेटफ्लिक्स पर आ गई। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।